हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं बहुत ही नए नाश्ते की रेसिपी जो बहुत जल्दी बन जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। बच्चे भी बहुत प्रेम से खाएंगे। तो यहाँ मैंने 3 आलू ले लिए हैं उबले हुए और इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस करने से ये होगा कि एक भी गांठें नहीं रहेंगी, अच्छे से आलू मैश हो जाएगा। अब हम लेंगे यहाँ पर 1 कटोरी मैदा, इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैदा के अलावा मैं यहाँ पे अरारोट भी ले रही हूँ, दोनों में मिला के डाल रही हूँ। अगर आप सिर्फ मैदा डालते हैं तो उससे भी बन जाएगा, या तो सिर्फ अरारोट से भी बन जाएगा, लेकिन मैदे से क्या होगा कि आपका कड़ा नाश्ता बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी मैं यहाँ 2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, क्योंकि आलू में भी गीलापन होता है, तो हम ज़्यादा पानी मत डालिएगा। हमें इसका डो बनाना है, जैसे हम रोटी का बनाते हैं। तो देखिए, ऐसे करके हम यहाँ पे बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये सिर्फ अरारोट से भी बना सकते हैं, लेकिन अरारोट से सिर्फ बनाएंगे तो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि उसको टूटने का डर रहेगा, या बहुत ज़्यादा अरारोट लेना पड़ेगा आपको। तो अब मैं यहाँ पर इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लूँगी। तो देखिए, ये यहाँ छोटी सी गोली मैंने बना ली है। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे और एक बॉटल लेंगे और उससे हम थोड़ा सा ऊपर से ऐसे दबा देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है, हल्का ही दबाना है। तो देखिए, यहाँ पे एक डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी है डिज़ाइन। तो अब हम इसको रख लेंगे। बिल्कुल मशरूम की तरह लग रहा है, और जब ये बनेगा ना तो इतना टेस्टी लगेगा कि आप हर दूसरे दिन इसी को बनाना चाहेंगे। बच्चे तो बहुत ही प्रेम से खाएँगे। तो ऐसे ही देखिए, मैं अपने सारे लोई को मैं ऐसे डिज़ाइन दे दूँगी। तो देखिए, यहाँ पे बन गया है 2, और यहाँ पे मैंने अब सारे बना लिए हैं। तो अब हम इसको आगे बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी पानी ली है कढ़ाई में, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। जब पानी उबलने लगे तब आप अपने सारे मशरूम को डाल दीजिए। इसका और कोई नाम नहीं सोचा है मैंने, तो ये मशरूम ही मैं बोलूँगी। तो देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे से चला देंगे कि नीचे कढ़ाई में चिपके नहीं, और यहाँ पे अच्छे से उबल गया है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में, और ये बहुत सॉफ्ट बनेगा, ये बिल्कुल भी कड़ा नहीं बनेगा। इसको मैं तोड़ के अभी दिखा देती हूँ। तो देखिए, ऐसे हम चेक भी कर लेंगे कि हमारा हो गया है कि नहीं। तो ये बिल्कुल हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम उसको छान लेंगे एक जगह और ठंडा होने देंगे। फिर इधर हम तड़के के लिए थोड़ी सी राई और मिर्चा डाल देंगे, और थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे। तड़का लगाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा, इसलिए तड़का मैं लगा रही हूँ। और फिर हम डाल देंगे ये 2 प्याज, प्याज मैंने बारीक काट लिया था। अब हम इसको गोल्डन होने तक भूनेंगे, और उसके बाद डाल देंगे 2 टमाटर। टमाटर को हम भी भूनेंगे। टमाटर के ऊपर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे हमारा टमाटर अच्छे से जल्दी पक जाए, और फिर इसको हम चला लेंगे। तो देखिए, इसको चलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डेगी मिर्च डाल दिया है, जिससे हमारे नाश्ते का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। अब उसके बाद ये देखिए, मेरा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको तोड़ के देख लेते हैं। तो देखिए, कितना सॉफ्ट बना है अंदर से, बहुत ही सॉफ्ट बना है फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच पिज्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस नहीं हो तो आप शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो अब हम अपना डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और इसको देखिए, एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा फ्रेंड, सब लोग खाते रह जाएँगे। तो अब मैं थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल दूँगी, और फिर इसको हम मिला लेंगे। तो देखिए, बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया हमारा नाश्ता। तो अब हम चलते हैं सर्व करने। तो अब मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो आप भी बनाइए और बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में ही बहुत टेस्टी लगा है, खाने में तो और लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।